अब ये जितने भी लोग जा रहे हैं ना, सभी लोग सनराइज देखने जा रहे हैं। आराम से आना थोड़ा, ये थोड़ा डेंजरस वाला भाटा है सबसे। हम थोड़ा रास्ता भटक चुके हैं। Hey guys, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। और सुबह के बज रहे 6, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, आ रहा है वो, पता नहीं कितना टाइम लगाएगा। और हम सनराइज़ देखने के लिए अब जा रहे हैं नारगढ़। नारगढ़ में कुछ हिडन प्लेस है, उसको हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो गाइस मैं अपने फ्रेंड को पिक कर लिया हूँ, अब मैं आ गया हूँ जोरा सिंह गेट। तो अब हम जा रहे हैं अपने नारगढ़। हाय गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं अब नारगढ़ वाले रोड पे। अब ये जितने भी लोग जा रहे हैं ना, सभी लोग सनराइज़ देखने जा रहे हैं। ये सनराइज़ बहुत ही प्यारा होता है नारगढ़ का, सब लोग जलमहल भी रखते हैं और नारगढ़ जाते हैं कुछ लोग। अब हम लोग आपको जो जगह लेके जा रहे हैं ना, वो एकदम यूनिक जगह है। सो ये रहा, इससे आपको लेफ्ट होना, लेफ्ट हो रहे हैं अब नारगढ़ से, और ये सुसाइड पॉइंट का रास्ता है नारगढ़ से लेफ्ट। तो गाइस ये है सुसाइड पॉइंट का रास्ता, थोड़ा रास्ता थोड़ा डेंजरस है, तो प्लीज संभल के आना। तो ये मेरे दोनों फ्रेंड्स आ चुके हैं, और हम जा रहे हैं अब ट्रैकिंग करने। आपने सोचा था कभी जयपुर में इतना ज़्यादा ट्रैकिंग करने की अच्छी जगह होगी? देखो कितना शानदार ट्रैक है, और यहाँ पे हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है। तो आपको इस सुंदर सी प्लेस में लेके चलते हैं। तो ये हम उस रास्ते को फॉलो करते हुए आगे आ चुके हैं, और ये हमारा सुसाइड पॉइंट आ चुका है। एक्चुअली ये सुसाइड पॉइंट का रास्ता, बस सामने वो जो लोग दिख रहे हैं लास्ट में, वो सुसाइड पॉइंट है। और यहाँ से देखो व्यू, ये भैया ड्रोन का व्यू ले रहा है। आ जाओ आराम से आना थोड़ा, ये थोड़ा डेंजरस वाला भाटा है सबसे। रुक जाओ सागर, तू एक बार रुक जा। तो गाइस, सो हम लोग हैं अभी जस्ट सुसाइड पॉइंट के ऊपर, ये हैं सभी। तो हम थोड़ा बहुत लेट हो चुके हैं, और सन ऑलरेडी राइज हो चुका है। तो आपको कुछ लोग दिख रहे हैं उधर आगे सामने, वो भी देखो, दिखाता हूँ मैं आपको। वो देखो, ये सब सनराइज देखना है, ये सब, ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली जलमहल है। इससे हम बिल्कुल स्ट्रेट आके नारगढ़ के रास्ते पे चढ़ के और बिल्कुल लेफ्ट है। देखो जहाँ ये हम बैठे हैं उसके नीचे बिल्कुल खाई है। सो फाइनली हम सुसाइड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और अभी हम लोग कुछ नए लोगों से मिले हैं। भैया आपका नाम? हिमांशु। आपका? पवन। आपका? हर्ष। और ये हैं हम प्रद्युम्न, निखिल और मैं शशांक। हम इन लोगों को एक लाइव म्यूज़िक का अलग फील देना चाह रहे हैं। सो इस व्यू के साथ लाइव म्यूज़िक बहुत ही प्यारा लगेगा, आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। करू बंद बंद बह जाए बूंद बूंद, कैसे मैं कहूँ देख ना सकूं अनजाने राज। सुन रही हूँ सुध बुद खोके कोई मैं कहानी, कोई कहानी है या किसे है पता, मैं तो किसी की होके ये भी ना जानी, रुत है ये
चलो ठीक है भाई बाय। देखो वैसे यहाँ पे बाइक्स या मोटरसाइकिल्स वगैरह ये एक्टिवाज वगैरह अलाउ नहीं है, बट फिर भी आप ला सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्की है। आपने यहाँ पे हम थोड़ा रास्ता भटक चुके हैं। कहाँ जाना है कहाँ नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया भाई? मैप चला रहा हूँ। अरे भाई यहाँ पे थोड़ी ना मैप काम करेगा। आजा आजा। हाँ भाई अपनी गाड़ी मिल गई। चलो अब अपन चलते हैं यार अपने रास्ते में, लेट हो चुका है थोड़ा। हाँ भाई ओ चल दिए आ रहा हूँ मैं भी। रुको रुको भाई रुको। चल भाई चल चल चल। दिख गई क्या भाई रोड? भाई आराम से लेना। हाँ रास्ता दिख ही चुका भाई। चल चल मैं हूँ क्या? अच्छा नहीं है भाई। मजा आ रहा है, एक नंबर बता रहा हूँ मैं। आराम से घुमाइयो भाई, कट बहुत प्यारे इधर के। प्यारे हैं डरावने? अरे भाई डरावने मतलब। भाइयों आप देख रहे हैं जी, नहीं ये कसौल नहीं है भाई, ये जयपुर है। जयपुर जयपुर मिलेंगे भाई। वो कौन सा है? आमेर महल लिखा है क्या? अच्छा आमेर महल यहाँ पड़ता है भाई। भाई ये जल महल है ना? हाँ भाई भाई ये अपना जल महल है, इसी रास्ते में पड़ता है। कितना प्यारा लगता है भाई। बड़ी भूख लग रही थी तो हमने सोचा कि अब क्या खाए, तो हम अपने अब यहाँ पे हमने पूछा किसी से क्या फेमस है, तो यहाँ पे बताया कि बड़ी चौपड़ के पास एक एवन पोए वाला है, ये देख रहे हैं बड़ा फेमस है यार। भाई 10 बजे का टाइम है और अभी भी भैया के पास इतनी भीड़ है ना, मतलब इतने ऑर्डर प्रिपेयर हो रहे हैं और इतना कुछ हो रहा है। देखो क्या नेम है भैया आपका? सर मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण राठौर। अच्छा लक्ष्मी नारायण राठौर। सर जी हम एमपी के रहने वाले हैं, अब यहाँ पर जयपुर में पोए बेच रहे हैं। किस जगह अपने पोए है कि मतलब? मैंने सुना आपके 340 के पास। मैंने सुना आपके पोए A1 है, बिल्कुल A1। यस यस। तो चलो हमारी भी अब 3 प्लेट बना दीजिए। हाँ लीजिए आप। ये मसाला मतलब किस चीज का मसाला होता है? ये 36 तरह का मसाला होता है। अच्छा। काली मिर्च, गरम मसाला, जायफल, बस सारी चीज होती है इसके। अच्छा तो मतलब 36 तरह का मसाला होता है। या मतलब ऐसा मसाला तो कभी सुना नहीं मैंने। अच्छा तो अपने पनीर भी डाली जाती है ऊपर से? पनीर। अरे भैया अच्छा काजू, अरे ड्राई फ्रूट सारे। तो अपनी ये प्लेट स्पेशल वाली होगी, स्पेशल वाली। अच्छा अच्छा अच्छा। मात्र 30 रुपए। ओके मात्र 30 रुपए में, मतलब मात्र 30 रुपए में अपन को एक स्पेशल प्लेट मिल रही है भैया, मतलब क्या लोगे आप इससे ज़्यादा? ये हमारी 3 प्लेट बन के आ चुकी है। तो हमने सुना है काफ़ी A1 है इनके पोए, तो आज हम ट्राई करते हैं। क्यों भाई ट्राई करें आज? बताइए आप खा के कैसा है? सही में इनके पोए A1 है भाई, जैसा नाम वैसा काम। कुछ ले ले भाई, लिटरली बहुत प्यारे।
तो तुम्हें पता है गैस करो अपनी प्लेट कितने की होगी ये वाली? भाई सिर्फ 20 रुपए में यार, बहुत सही है यार। और इनके स्पेशल प्लेट का प्राइस पता क्या है? ओनली 30। उसमें पूरे ड्राई फ्रूट्स आते हैं, काजू बादाम पनीर किशमिश। महंगाई के जमाने में सबसे अच्छी चीज है, मान गए यार। क्या डलवा के लाया? नमकीन और नींबू एक्स्ट्रा डालते हैं ठीक है। एक और डालो। अरे धन्यवाद, बहुत मजा आ गया।